मैडम 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 लगता है वो ललित इसको फिर सता गया। मैडम ये तो फिर से आ गया। बात दरअसल ये है मैडम कि हम अपने बीवी के साथ संगीता सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे थे। अब टिकट विंडो पर टिकट खरीदने खड़े ही थे कि वहाँ पे ये भाई साहब खड़े हुए दिखे और हम दोनों की तरफ इस तरह देख रहे थे मानो बरसों से मैंने पिक्चर नहीं देखा, मुझे भी ले चलो साथ में। अब हमने लिहाज में इनका भी टिकट कटवा दिया। अब सीट नंबर आया 17, 18, 19। तो 17 पे हमने अपनी बीवी को बिठाया, 18 पे हम बैठ गए और 19 पे इनको बिठा दिया। अब बैठ तो गए मैडम, लेकिन बैठने के बाद हमको लगा कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, मतलब कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हम इन पे शक कर रहे। तो हम उठ के 17 पे बैठ गए, हमारी बीवी को 18 पे बिठा दिया और ये तो 19 पे बैठे ही थे, मतलब हम दोनों के बीच में हमारी बीवी बैठी। अब मैडम अंधेरा हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इनका हाथ हमारी बीवी के कंधे पे था। अरे क्यों बावड़ी पूछ, ना अंधेरा होते ही तैने इसकी बीवी पे हाथ डाल लिया। कटीली जी आप बताइए, इसने आपके कंधे पे हाथ रखा था? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो सिर्फ हाथ से मतलब था। और मैं ये थोड़ी देख रही थी कि हाथ किसका है, मैं तो फिल्म देख रही थी। मतलब हाथ था, देखा मैडम देखा। अरे यार सारी बात हम क्लियर कर देते हैं। मैडम हुआ ये कि ये बैठे थे 17 नंबर पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम आप ही यार, हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे थोड़ा हाथ रख रहे थे, हम तो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहे थे। मैडम अब आप ये बताइए कि 19 नंबर वाला आदमी अगर 17 नंबर की सीट पर बैठे वाले आदमी तक हाथ लेके जाएगा तो 18 तो बीच में आएगा ही ना। मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। मैडम देखिए ऐसे। अब मैडम क्या था कि ये बैठे थे 17 पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम हुआ ये कि जैसे ही हम अपना हाथ इनके कंधे तक लेके जा रहे थे कि इत्तेफाक से हमारा हाथ इनकी बीवी के कंधे तक आते आते खत्म हो गया। अब मैडम यार अगर हम तुम्हारी बीवी के कंधे पर हाथ रख रहे होते तो ऐसे थोड़ा ही रखते, फिर तो हम ऐसे रखते। अच्छा, मतलब दरअसल ये मामला था। सॉरी, फिर तो गलती मेरी है मैडम, मैं मतलब इनको गलत समझ रहा था। सॉरी भाई साहब। अरे ठीक है यार, सॉरी, नहीं मतलब मुझसे गलती हो गई, आप चलें? इट्स ओके, हाँ चलते हैं। अरे यार अगर हम तीनों लोग एक ही ऑटो में चले तो? हाँ बेस्ट, बेहतर आइडिया है, चले चलिए। ओके मैडम चलते हैं। और सुनो, ऑटो में तुम बीच में बैठना, ठीक है? बहुत सही। अच्छा भाई साहब आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे कंधे पे हाथ क्यों रखना चाहते थे। ये बात तो मैं तुम्हें ऑटो में बताऊंगा। चले चल आई चल, हाँ आई चल। ऑटो, अरे सुनो भाई साहब साथ में चलने का। अरे कैसे लोग हैं मैडम? भाई घोर कलयुग आ गया है। अरे तू चौकी से बाहर कतई ना निकला कर, समझी? पूरी गंज से जो है ना चूड़ियां मंगाई है मैंने, कैसी लग रही? आपकी ये चूड़िया, ये चूड़िया, ये चूड़िया। तैने के मन्ने जो है टेम्पो तिवारी समझ रखा ना, जो हर बार तू चूड़िया ना झुमके ना पायल बोल के मन्ने टरका जाएगा। और तो तैने बताना पड़ेगा मैं चूड़ी पहन के कैसी दिख रही हूँ। जी नहीं। क्यों ना तन्ने मारा कोई लिहाज कोई ना है? अरे लिहाज तो क्या, जहाज भी नहीं है। एक वो है ना जिसे लिहाज में ही जो मरा जा रहा, और एक यो है ना मैनरलेस लिहाजलेस, यू ब्लडी फूल। मैडम 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 कहाँ मैडम 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 हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए मैडम। क्यों भाई, इस बार तेरी बीवी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया क्या? सॉरी मम्मी जी। नहीं नहीं मैडम बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि हमने हमारी बीवी को 2 लाख रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए और हम उसे अपनी स्कूटर पर बिठा करके
मतलब हमारे पास कार्स बहुत है लेकिन हमारी बीवी को पसंद है स्कूटर पे जाना, तो उसे स्कूटर पे बिठा करके हम ले जा रहे थे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करवाने। तब रास्ते में हमने देखा कि ललित खड़ा है। अब हम ठहरे लिहाज वाले तो हमने सोचा कि इतनी धूप में ये खड़ा है, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्कूटर में तो दो ही लोग बैठ सकते हैं। तो फिर हमने इनसे कहा कि भैया एक काम करो, आप हमारी स्कूटर लेकर जाओ और हमारी बीवी को शॉपिंग मॉल छोड़ के आओ, तब तक हम है कि धूप में वेट करते हैं, वापस आओ फिर हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग मॉल। मैडम हम शाम तक इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। फिर हम खुद शॉपिंग मॉल गए तो वो लोग वहाँ भी नहीं थे। कुछ कीजिए मैडम, कुछ कीजिए। ना मैं के करूं ईब, ना सारे कांड तो थारी बीबी कर रही से। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, हमारी बीवी सती सावित्री है। सती सावित्री हो रही वो है, और अब तू हो रहा सता सावित्रा। भाई ऐसा है ना ईब, जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए प्लीज हैव ए हैवी हार्ट। भाई महरबाल को ने पता लगवाया है कि उस ललित का और थारी बीबी के बीच में जो है ना लप्पा झप्पा चल रहा है। नहीं नहीं मैडम नहीं, ये हम नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। अच्छा ना उस ललित ने डिरी मापे ना कि मियाँ बीवी दोनों कहाँ जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में पहुंच जावे कभी थिएटर पहुंच जावे, ना उसने डिरी मारा है ना या तू बताता है उसने। अरे नहीं मैडम, हमें तो खुद पता नहीं होता कहाँ कब कैसे जाना है, वो तो हमारी बीवी तय करती है। करेक्ट है भाई है? तो ये वैसा है जो तैने लग रहा कि हम रॉन्ग हो रहे थारी बीवी राइट, तो ये वह काम कर, तू ये वही कर जो हम कह रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे घर का मामला नहीं राइट तो पुलिस केस, गॉड डैम इट। भाई अब तो एफआईआर लिखी जा चुकी है, अब तो फैसला होके रहेगा। भाई फैसला होगा और होगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये थोड़ी ना कोई बात होती है, मैं कहीं पे भी जाऊं किसी के भी साथ जाऊं, और मैं इनके साथ थोड़ा ना गई थी। अरे वो तो हम रास्ते में मिल गए थे इत्तेफाक से, फिर हम दोनों मॉल चले गए। फिर तुम उस मदन गोपाल को लेने लौटे क्यों नहीं? अरे कैसे लौटते, स्कूटर जो खराब हो गया था इत्तेफाक से। खराब तो तुम दोनों की जो है ना किस्मत हो गई है, जो हमारे हत्ते चढ़ गए हो दोनों। और ना के लग रहा हम अंधे हो रहे हैं, हम सब घूम रहे ऐसे है ना, जो हमें दिखाई कोई ना देगा, तुम दोनों के बीच के लारा लप्पा चल रहा। और तू कटीली नहीं, तू सत्य बोलेगी कि कटीली से बिलंट बना दूं मैं तने हैं? और तू कतई दरमान की तरह खड़ा दिखे। जी मम्मी जी, ये रहे इन दोनों के एक साथ घूमते फिरते फोटोग्राफ्स जो हमने खींचे हैं। ओहो तो अब ये फोटोग्राफ अगर तुम्हारे पति के हाथ में पहुंच गए तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं इत्तेफाक से, वैसे हम दोनों के बीच और कुछ है नहीं। और प्लीज उन्हें मत बताइएगा। अब बताने को बचा ही क्या है कटीली। हाँ हम तुम्हारे पति, जिसके विश्वास को तुम चाय की पत्ती समझकर घोल कर पी चुकी हो। और डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आज हम खुशी खुशी तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रहे हैं, ले लो भाई। ठीक है, अगर तुमने परमिशन दे दी तो इट्स ओके, चलो ललित हम चलते हैं। मैं फिर बात समझने की कोशिश करूं। देखिए मैडम क्या मैं इस तरीके का हाथ में हूं नहीं। ना मन ने सब बेरा कि तू किस टाइप का आदमी हो रहा, और तू ना कतई भोली ना प्रेम की भूखी, ना तू तो मरी जा रही है। तन्ने तो यो लग रहा कि यो थारे से प्रेम करे ना घर बसाएगा थारे संग। अरे यो तो तब तक थारे संग है जब तक तू अपने पति के संग है, और थारे पास अपने पति की जायदाद और पैसा है। अरे इब तू खुद अपने मुंह से कुछ बोलेगा? हाँ हाँ ललित बता दो ये सब झूठ है, बोलो ना बोलो ना। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। मैडम मैडम मैं इस तरीके की रईस और शादीशुदा औरतों को उनके पैसे की खातिर अपने चाल में फंसाता हूँ। रो मत कटीली, रो मत। कोई तुम्हारा साथ दे न दे, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि हम तो लिहाज वाले हैं।
ओहो न देख लिया चमको रानी भाई, पति पति हो गए और आशिक। पति वो जो दुख सुख में काम आए और आशिक न तभी तक काम आता है जब तक आपके पास पैसा है और आप सुखी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जो मैं इस गलत रास्ते पे चली हूँ उसकी जिम्मेदार ये है, ये इनके लिहाज की वजह से। इन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं कि कहीं कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे खरोच ना आ जाए। इनके लिए मैंने पायल झुमके बिंदिया सब लगाई, पर इनके लिहाज की वजह से इन्होंने इन्होंने आज तक मेरी एक बार तारीफ तक नहीं करी। सारी दुनिया का लिहाज किया लेकिन अपनी बीवी का लिहाज नहीं किया कि उसके भी कोई अरमान है, उसके भी कुछ खुशियां हैं। बस बस करो कटीली, बस करो, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट आई से स्टॉप इट। ना हो तो गई स्टॉप, और क्या फुल स्टॉप बन जाएगी। सॉरी, थैंक यू कटीली, आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। थैंक यू मैडम, आज आपकी वजह से हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों कितने गलत थे। अब हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। ओहो, पक्का गारंटी? तो पप्पी ले इसकी। लेकिन मैडम, नो इफ नो बट, सिर्फ फटाफट। आराम से भाई, आराम, रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल। देखिए मैडम, पप्पी लेने को तो हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने मैडम ये तो लिहाज में माने जाएंगे। आप कहें तो मैं ले लूं।